नमस्कार दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है जिसमें ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल एंड थर्ड जेंडर भी अप्लाई कर सकता है। तो बड़ी अच्छी वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको ऑनलाइन यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। चलिए हम सारी डिटेल जो है इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसमें कैसे होगी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, कहां से होगा ऑनलाइन अप्लाई, कहां होगी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और क्या रही इसकी एलिजिबिलिटी। तो बने रहिए मेरे साथ। आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayaka.in पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहां पे आके पूरी इंफॉर्मेशन जो है यहां से रीड कर सकते हैं, और यहीं पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का मैंने डायरेक्ट लिंक, फास्ट लिंक दे दिया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दिया है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से जानना शुरू करते हैं इसके बारे में कि कितनी पोस्टें हैं, कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। अगर हम दोस्तों यहां पे बात करें तो टोटल पोस्टें 35 यानी कि 35 मिल रही हैं। पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, गवर्नमेंट की जॉब है, लोकेशन आपकी दिल्ली होगी। कौन अप्लाई कर पाएगा ये मैंने पहले ही बता दिया कि ऑल इंडिया कैंडिडेट, जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर तीनों कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर याद रखिए आपका दिल्ली ही होगा। सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा पहले, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सिर्फ आपने टिक लगाना है, जिसमें 25% की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके मार्क्स जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद एक आपका इंग्लिश टाइपराइटिंग टेस्ट होगा, फिर इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और रिटन एग्जामिनेशन होगा, लास्ट में एक और डिस्क्रिप्टिव, और फिर जाके होगा आपका एक छोटा सा इंटरव्यू। याद रखिएगा ये जो चीजें हैं, इंग्लिश टाइपराइटिंग, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ये आप लोगों को सीख लेनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखी है तो इसका कोर्स कर लेना भाई, आपको मार्केट में मिल जाएंगे, काफी सारे लोग इसका कोर्स करवा देते हैं, ठीक है। तो ये नेसेसरी नहीं है। बाकी चलिए हम जानते हैं, क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम डिटेल हम बाद में देखेंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू जो रिकॉग्नाइज्ड है, और इसी के साथ आपकी 100 पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग की इंग्लिश में ऑन कंप्यूटर और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, बाकी ये जो चीजें हैं ये दोस्तों आपको आनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट 18 से 27 साल है एज ऑन 1/1/2018, यानी कि आप 18 साल के 1/1/2018 के पहले होने चाहिए। सिंपल सी बात करूं तो आपका जन्म 2/1/1991 से लेके 1/1/2000 के बीच में होना चाहिए। एससी एसटी 32 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी वाले 30। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 300 रुपया है, एससी एसटी से कोई आता है तो 150, बाकी सबके लिए 300 रुपीज फीस है। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 22 सितंबर 2018 से, खत्म हो जाएगी 12 अक्टूबर को। जो लोग इंटरेस्टेड हैं जरूर अप्लाई करें यहां से, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरी डिटेल इसमें जो है इंटरव्यू वगैरह जो कैसे होगा, उसमें जो टेस्ट होगा वो आपका कितने मिनट का होना है, वो आप पूरी डिटेल अगर यहां से लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए ये तो मैं आपको यही से बता देता हूं क्योंकि मैंने वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया है। तो एग्जाम टाइप आपका पहला ऑब्जेक्टिव, टोटल क्वेश्चन 120, टोटल मार्क्स 120, नेगेटिव मार्किंग 25 मार्क्स के हिसाब से। एग्जाम टाइप दूसरा जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, टोटल मार्क्स 100 हो गए, 4 सेक्शन होंगी, 4 ही क्वेश्चन होंगे जिसमें इंग्लिश लेटर और समथिंग हम देख लेते हैं पीडीएफ के अंदर जाके कि क्या आपको यहां पे पूछा जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा एसे, ट्रांसलेशन कंप्रेसिव होंगे, लेटर राइटिंग होगी, और यही चीजें हैं जो आपको वहां पे आएंगी। तो देख लेना 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा भाई, 50% चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए पास होने के लिए, और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए। लास्ट में आपका एक इंटरव्यू होने वाला है जो 30 मार्क्स का आपका होगा, इसको भी आपने 50% के साथ पास करना है जनरल कैंडिडेट ने, और 45 के साथ रिजर्व कैटेगरी में। बाकी दोस्तों प्लीज आप नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें और उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑलमोस्ट मैं सारी डिटेल बता चुका हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी वीडियो में ऑनलाइन दूं तो जरूर मैं दूंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए आप उसकी पूरी डिटेल जान लीजिए और विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayaka.in पे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। बेल आइकन के साथ आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का अपडेट भी आपको टाइम पे मिल सके। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?